महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में आज अम्बाला में कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों का सहारा लेकर सरकार पर हल्ला बोला। अम्बाला में आज कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों से यह भी जाना कि क्या आमजन सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि आज लोगों से करवाए जा रहे हस्ताक्षर कांग्रेस आलाकमान के जरिए देश के राष्ट्रपति तक भेजे जाएंगे। इस सरकार के कान बिल्कुल बहरे हो चुके हैं, जनता की आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही, इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व पे, उनके दिशा निर्देश पर कांग्रेस का देश में हर कार्यकर्ता सड़कों पर है। लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तेल की कीमतें कम हो, डीजल की कीमतें कम हो, रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसकी कीमतें कम हो, दालों की कीमतें कम हो, महंगाई पे लगाम लगाया जाए, जो सरसों की तेल की कीमत है उसको भी कम किया जाए। तो एक प्रकार से जो सरकार टोटली फेलियर है, रसोई का बजट बड़ा बिल्कुल खराब कर चुकी है, उस सरकार को जगाने का कांग्रेस पार्टी बार बार पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है। इसके लिए लगातार हम फील्ड में हैं, चाहे हम थाली बजा के हमने रोष प्रदर्शन किया, बेलन बजा के औरतों ने रोष प्रदर्शन किया, उसके बाद अगर हम बात करें हम लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली, उसके बाद आज हम यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, ये हस्ताक्षर किसे भेजे जाएंगे? ये हस्ताक्षर सारे इकट्ठे कर हमारे माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी को भेजे जाएंगे, वहाँ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के नाम ये हस्ताक्षर अभियान, जो जितने भी हस्ताक्षर होंगे वो दिए जाएंगे। इससे पता चलता है लोग किस प्रकार से दुखी हो गए। आप देख रहे हैं आसपास जितने भी तेल डलवाने वाले आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इस अभियान में हमसे खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।